भगवान बुद्ध के श्री चरणों में नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन और उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज के बाबा साहब की 127वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजकों को और विशेषकर ज्वाइंट SST टीचर्स फ्रंट के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुझे बड़ा खुशी भी हो रही है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि कम से कम जो है ब्राह्मणों को दादा कहते थे, हमारे आदमी हमारे बीच में भी अब दादा पैदा होने लगे, क्योंकि ब्राह्मणों को ही दादा कहेंगे तो चाहे हम उसके दादा लगते हो चाहे हम उसके दादा लगते हो, लेकिन हम जो है उसको दादा कहते थे तो दादा की उपाधि मिली, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और दुख इस बात का कि मेरे भाई ओम प्रकाश जी बुद्धि राजा और कप्तान को, इनके दोनों को ही घरवाली को पता नहीं है। दुख इसलिए है कि वो कहेंगे कि आज पहले ही रिटायर कर दिया इनको। नहीं नहीं, ये रिटायरमेंट का हुआ है, पहले देखिए जून में जो है सम्मान जो है वो सेवानिवृत्ति का ही है, तो दोनों को सम्मान दिया उसके लिए मंच को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और मेरा जो सम्मान नीला सलाम से हुआ, नीला बाबा साहब के कलर से, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मित्रों, मैं अपनी बात दो चार चीजें कहकर के, समय इतना नहीं है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया और संविधान पर जो आज हमले हो रहे हैं, मैं बाबा साहब के जहां बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण दिया था दो जगह से, मैं वहां से आ रहा हूं। आगरा में उन्होंने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि मेरे इस कारवा को यदि आप आगे ना बढ़ा सको, कि मैं इस कारवा को बड़े कष्टों और मुसीबतों से लेकर के आया हूं, मेरे इस कारवा को अगर आप यदि आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत धकेलना। लेकिन क्या कारण है यार, ये हमारा कारवा बढ़ना चाहिए था आगे, लेकिन धीरे धीरे वो कारवा पीछे जा रहा है। ये कारवा पीछे क्यों जा रहा है? भारतीय संविधान पर पिछले 4 सालों से हमले हो रहे हैं। इस हमले के पीछे कौन लोग हैं? कोई और लोग नहीं है, इस हमले के पीछे हमारे ही बीच वो ब्राह्मणवादी ताकतें, वो मनुवादी ताकतें जो बार बार जो है इस पर हमला कर रहे हैं। हम कहने को तो जो है 35 करोड़ है और संसद में हम 131 है। बाबा, जिस बाबा ने उस संसद में उन हमारे साथियों को पहुंचाया, यदि बाबा उनको रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करते, सांसदों के उस आरक्षण की बात नहीं करते, तो संसद में कोई भी उनको नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन जब आज संसद में बाबा के उस संविधान पर हमले हो रहे हैं तो एक भी सांसद बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक भी सांसद यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि जिस बाबा के संविधान की वजह से मैं यहां खड़ा हूं, मेरे बाबा के संविधान पर यदि आप हमला करेंगे, संविधान पर तो हमला बाद में होगा, आपका उठाया हुआ हाथ दलित समाज का तमाम लोग तोड़ देंगे तो किसको काट देंगे। ये बाबा ने इशारा दिया था, लेकिन उस बाबा के उस इशारे पर हमारे समाज के कुछ लोग नाच रहे हैं। मैं उनको कठपुतली, बेरूपिया, जो भी नाम उनको देना चाहे, उनको पता है 543 में उनकी कोई गिनती नहीं है। यदि वे एक भी सांसद उनमें से बोले कि मैं बाबा का सिपाही हूं, मैं बाबा की वजह से हूं, नहीं तो मेरे मित्र तुम्हारे आगे जो है
सुल्तानी होती, पीछे झाड़ू होती, कोई आपको पूछने वाला नहीं था। यदि आपको यह पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, तो यह बाबा की देन है। देखते हैं, मैंने तो भीम नगरी में जहां बाबा साहब ने अंतिम आह्वान किया था, संकल्प दिला करके आया हूं इस बार, 3 घंटे बोला हूं वहां, और यह संकल्प दिला करके आया हूं, यह बहुजन समाज के लोगों, जितने भी 131 है, जो भी कोर्ट मांगने आए, सबसे पहले सामाजिक बहिष्कार करना है उसका, सामाजिक बहिष्कार। देख रहा है, पूरा देश देख रहा है उनको। अगर कोई नेता बुलाता 2 अप्रैल को तो कोई नहीं आता। ये सोशल मीडिया का चमत्कार है। हमने भी 16 दिन जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भूख हड़ताल रखी, इसके लिए, समाज के लिए। 3 ऐसे सर्कुलर जो है सरकार ने जारी किए हैं जो बहुत खतरनाक है। पहला सर्कुलर है 5 मार्च का, जिसमें हर एजुकेशन में आपका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। कोई भी मेरा भाई इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर नहीं बनेगा, डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर बनेगा। डिपार्टमेंट में 1-1 पोस्ट होती है, सिंगल सिंगल पोस्ट, रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म। मैंने अपने शेड्यूल ट्राइब भाइयों से कहा, हम तो ले मरेंगे एक आधी सीट, 4 सीट होती है, पर हमारी तो हो सकता है कि 20 साल के बाद भी आ जाए, लेकिन मीरा जी आप तो पूरी तरह से नप गए, पूरी तरह से नप गए हैं हमारे स्टूल ड्राइव के लोग। 350 साल के बाद उनकी पोस्ट आएगी। 350 साल कौन जिएगा, कौन देखेगा उस रोस्टर को। दूसरा सर्कुलर 20 मार्च को आए, तोम सर्कुलर, बाबा साहब जिसको अधिकार हमको देके गए थे, SC ST Act 1989 राजीव गांधी जी ने हमको दिया था, यदि कोई आपके गाली देता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो उस एक्ट से सब लोग डरते थे। यदि मैंने कुछ कह दिया तो सीधा जेल चला जाऊंगा 6 महीने। 2015 में भी इसमें बदलाव किया मोदी सरकार ने, लेकिन अब तो उस एक्ट में ऐसा प्रावधान कर दिया, कहते हैं कि ये फेक जो है कंप्लेंट होती है। फेक कंप्लेंट कैसे, उदाहरण देखिए, ब्राह्मण का बेटा, छत्री का बेटा दलित की बेटी से बलात्कार करता है और कहता है कि नहीं जी, मैं तो छू नहीं सकता, ये अस्पृश्य है, ये दलित है, अब एक्ट नहीं लगेगा। हमारी कितनी सोफिया 4-4, 8-8 साल की बेटियों के साथ जो इस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, यदि ये एक्ट सही ढंग से लागू हो जाए तो जितने भी लोग हैं वो फिर से जेलों में चले जाएंगे। तीसरा सर्कुलर जो बहुत खतरनाक है, इन दोनों से भी खतरनाक है, हमारे बच्चे, इस सरकार ने जहां देनी थी उनके हाथ में स्लेट और पकड़ा दी प्लेट, स्लेट के हाथ के अलावा प्लेट, बैठे हुए हमारे तमाम प्राइमरी के अध्यापक, एक ने भी किसी ने ये आवाज नहीं उठाई, ये मिड डे मील क्या चीज है। हमारे बच्चे 10 बजे से आंख लगाए रहते हैं और मास्टर को कसाई की तरह से देखते हैं, ये मिड डे मील तो आ गया, ये पाठ क्यों नहीं रहा है। कुछ हमारे भाई भी, अभिभावक भी अपने बच्चों को प्लेट दे देते, टप्पा, ये आज सब्जी पूरी मिलेगी, आज खिचड़ी मिलेगी, बेटा मेरे लिए भी ले आना। उसको एक पस्तर के साथ में स्लेट नहीं देते बल्कि एक बक्सा दे देते हैं। ये बक्से का भी विरोध करना चाहिए हमें। और ये बक्सा क्यों, इसलिए इस सरकार ने 656 विश्वविद्यालय और कॉलेजों को ऑटोनोमस कर दिया है पूरी तरह से, आपको बांधने का प्रयास कर दिया है। तुम तो पढ़ लिए भाई, पुनियादी
प्रिंसिपल भी बन गई, देखते हैं तुम्हारे बच्चे कैसे आएंगे। अब रंगना जी, अब तो रंगना ही है अपने, चाहे जूते रंगो या कपड़ा रंगो, आपकी औकात अब पता चलेगी। क्यों? हमने सारे संस्थान ऑटोनोमस कर दिए हैं। जहां बीए पढ़ने के लिए मैंने 150 रुपए में हंसराज पुलिस से बीए कर ली और 100 रुपए में मैंने एमए कर ली, लेकिन अगर जो है ये ऑटोनोमस आने से गलगोटिया हमारा गलगोट देगा, अडानी अंबानी जिंदल अशोका सारदा ये जितने भी दिल्ली और एनसीआर के आसपास विश्वविद्यालय खुले हुए हैं इनको ऑटोनोमस बना दिया गया है, और उस ऑटोनोमस में उनका अपना सिलेबस होगा, अपनी डिग्री होगी, और डिग्री के साथ साथ उनके अपने टीचर्स होंगे, कंट्रेक्चुअल टीचर्स, उसमें किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं। और उसमें देखिए फीस कितनी, 5 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक। क्या एक प्राइमरी का अध्यापक अपने बच्चों को 1 साल की 5 लाख रुपए फीस दे सकता है? कैसे? लेकिन क्या करे, शर्म आती है हमें तो उनपे, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डाल दिया जाता है उसी तरह से हमारे सांसदों को खींचा जाता है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं। और वहां अगर कहे कि इस संसद में कि इसके समर्थन में, तो समर्थन में भी खड़ा कर देते हैं, विरोध है तो विरोध में भी खड़ा कर देते हैं। दिल्ली के अंदर जहां मैं अकेडमिक काउंसिल में मेंबर हूं, 2 बार चुना गया हूं, वहां भी मेरे साथी है ऐसे ही पार्टियों के। मैं अकेला इंडिपेंडेंट जीता हूं, बाकी 25 जो है वो पार्टियों के हैं। कोई नहीं बोलता, वो पूछ के जाता है किससे, मनोज तिवारी से, तिवारी साहब कैसे बोलना है। वो पूछ के जाता है अजय माकन से, माकन साहब कैसे बोलना है। वो पूछ के जाता है आरसी भारती से कि मुझे कैसे बोलना है। वो पूछ के जाता है मुलायम सिंह से, साहब मुझे कैसे बोलना है। जब उनके आका ये कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना, उस समाज के लिए क्या तो आंदोलन करेंगे और क्या आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मित्रों, समय कम है, खाना भी ठंडा हो रहा है, लेकिन मैं एक चेतावनी के रूप में आपको कहना चाह रहा हूं, हमने तो हम वही स्थिति आ रही है। किसी कवि ने कहा है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें समस्याएं सभी। हम हमारी वो स्थिति होने वाली है जो आजादी से पहले की थी। आजादी से पहले की जो स्थिति थी, बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान ऐसे नहीं दिया था। मित्रों, यहां मुझे एक अजीब भी लगा कि हम बाबा साहब को दलितों के मसीहा कहते हैं। क्या गांधी को कोई वैश्य नेता कहता है, या किसी ब्राह्मण को जो है परशुराम का नेता कहता है? क्यों? उनको तो कहते हैं कि हाँ ये देश के नेता है, गांधी को कहते हैं देश के नेता, विश्व के नेता, और बाबा साहब को छोटी सोच में डाल देते कि दलितों के मसीहा नहीं। दूसरा, कभी भी बाबा साहब को भगवान मत बनाइए। भगवान तो ये देखिए इनमें रह जाते, कैद हो जाते हैं भगवान तस्वीरों के अंदर। इस सरकार ने, क्योंकि ये सरकार का अंतिम हुआ है, अप्रैल में जितनी भी रीत भाई मूर्तियां तोड़ी है इस देश के अंदर, एक जगह तो बदायूं में बाबा साहब को भगवाई कर दिया और पकड़ा गया वो व्यक्ति, अगले दिन जाकर के फिर नीला किया गया। ये जितनी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ेंगे, बाबा साहब के पूरे विश्व के अंदर उतने विचार फैलेंगे जितना तोड़ेंगे ये। हम तो कहते हैं रोज तोड़ो, रोज तोड़ो। और हमारे लोग भी इतने भावुक हो जाते हैं कि आपने मूर्ति क्यों तोड़ी, कितना तोड़ेंगे ये। जितनी पिटाई हमारे लोगों की होगी उतना ही वो आगे बढ़ेगा। हमारे बड़े बूढ़ों ने अगर मार नहीं सही होती तो आज हम यहां नहीं पहुंचते। और जितनी मार हम पर पड़ेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी उतनी अच्छी ओर निखर करके आएगी। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।